हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी दोस्त प्रीति और आज है गुरु पूरब। तो चलो मैं आपको लेकर चलती हूं गुरुद्वारे। स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो। सो ये सारी की सारी पार्किंग है और सारी देखो कितनी फुल है, बहुत ज़्यादा पार्किंग फुल है और मुश्किल से हमें मिली है पार्किंग। अब बस अंदर चल रहे हैं। यहाँ पे देखो सारे घूम ही रहे हैं अभी तक लगाने के लिए, इस साइड भी। सो इतना भीड़ हमने जेन्युइनली, हम यही बात कर रहे थे कि हमने इतने सालों में इतनी भीड़ नहीं देखी जितनी इस बार थी। उसका मेजर रीज़न जो मुझे लगता है वो ये भी था कि बहुत सारे लोग, वीज़ास खुल चुके हैं अब यहाँ पे, 2-3 साल से वीज़ा नहीं खुल रहे थे, अब यहाँ पे खुले हैं तो लोग आए हैं। उसके बाद पेरेंट्स भी, अभी ये बहुत अच्छा टाइम है, समर्स का टाइम है तो अभी सबने पेरेंट्स भी बुलाए हुए हैं, तो आई थिंक इस वजह से भी बहुत ज़्यादा लोग थे। सो हमें मिल चुके हैं हिमांशी और रमन यहाँ पे। पुराने दोस्त साथी, यस, साथ ना तेरा छोड़ेंगे कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। सो अव्युक्त को बहुत अच्छा लगता है इस गोद से उस गोद में घूमना, उस गोद से नेक्स्ट गोद में घूमना, तो वही वो पापा के साथ घूम रहा है। एंड यहाँ पे एक और चीज़ है, हम इतनी, अभी आपने देखा था पहले लाइन इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं थी, बट हमने जितनी देर गप्पे मारे उतनी देर में इतनी लाइन बढ़ गई है, बाहर तक आ गई थी। सो गुरुद्वारे के बाहर से ही लाइन लगनी स्टार्ट हो गई है, आप देख लो कितनी ज़्यादा लाइन है और बहुत ज़्यादा भीड़ है अंदर। यहाँ पे उन्होंने शू रैक बनाया हुआ है अंदर, बट बाहर भी लोगों ने इतने जूते उतारे हुए थे और अंदर भी शू रैक पूरा का पूरा फुल था, और जितनी इसकी कैपेसिटी है आई थिंक उससे डबल तो फॉर श्योर लोग अंदर थे। सो ये गुरुद्वारा है न्यू लिन में और यहाँ पे भी माँ पापा फर्स्ट टाइम आए थे एंड मेरा बहुत मन था कि उनका भी माथा टेक सकें हम यहाँ पे गुरुद्वारे में। मैं अपनी मम्मी को भी लेकर आई थी जब वो आई थी 2020 में यहाँ पे, और उस टाइम से बहुत काफ़ी चीज़ें चेंज हो गई है। मैं शायद 1-1.5 साल बाद इस गुरुद्वारे में आई थी और बहुत प्यारा और बहुत ही शांति थी यहाँ पे, बहुत ही डिफरेंट उन्होंने सजाया हुआ था। हर बार ही जब भीड़ में जाती हूँ तो थोड़ा सा डिफरेंट ही मुझे मिलता है। और ये इन्होंने जब हम एग्ज़िट ले रहे होते हैं, जहाँ से हमने एंट्री की थी वहीं से एग्ज़िट थी, वहाँ पे उन्होंने काढ़ी का प्रसाद वहीं पे सब संगत को जैसे जैसे बाहर जा रही थी तो वहाँ पे उसको प्रसाद दे देते। सो बहुत ज़्यादा भीड़ है पर हम प्रसाद लेके बाहर आ गए हैं। अब हम लंगर के लिए आगे बढ़ेंगे। बहुत ज़्यादा भीड़ है वहाँ, कितनी भीड़ है। आगे चले। तो ये सारी लाइन लंगर के लिए लगी हुई है, ओके। और मैं दिखाती हूँ आगे, इधर ये सारा लंगर चखने के लिए लोग खड़े हैं। तो ये इतने लोग यहाँ पे खड़े हैं और मैं आपको आगे लेकर चलती हूँ। और यहाँ पे ये देखो, आप देखो कितना कुछ है, सॉरी, ये सारा कॉन्टिन्यूसली चल रहा है लंगर चखने के लिए। सो न्यू लिन गुरुद्वारा अगर आप जा रहे हो तो एवरी इवनिंग भी वहाँ पे लंगर होता है, बट आज का लंगर बहुत स्पेशल था और आप देख रहे हो कितने लोग सेवा में लगे हुए थे और फटाफट वो सारे लोग रोटियाँ सेक रहे हैं, सारे कोई ना कोई अपने काम में लगा हुआ है और किसी को कहने की ज़रूरत नहीं है। और अगर मैं यहाँ पे अगर आपको खाने की बात बताऊँ तो बहुत कुछ तो मीठे में भी है, आप यहाँ पे देख सकते हो कि उन्होंने जलेबी है और केक है, लड्डू है, बहुत कुछ था जो खाने में भी था। और खाना आपके यहाँ से नहीं लेना, आपको वो सर्व करने आएंगे। दाल थी और सब्जी थी, चावल थे, रोटियाँ थी, तो खाने में भी बहुत सारे ऑप्शन थे आज, बट बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बहुत बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे गुरुद्वारे में ये चीज़ अच्छा है कि अंदर ही उन्होंने वॉशरूम बनाए हुए हैं,
अगर आपको वो फैसिलिटीज यूज़ करनी है तो आप वो गुरुद्वारे के अंदर ही यूज़ कर सकते हैं। सो होपफुली आप लोगों को अच्छी लगी होगी आज की वीडियो, और अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करना मत भूलना, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जाइए सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।